हेलो स्टूडेंट, विज्ञान डीलेट जो है फोर्थ सेमेस्टर में आज आपका टॉपिक है रुधिर के प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी। तो रुधिर के प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी के बारे में लैंड स्टीनर ने जो है वो पता लगाया था कि मानव के लाल रुधिराणुओं की कोशिकाला और रुधिर के प्लाज्मा में रुधिराणुओं के अभिश्लेषण से संबंधित प्रोटीन पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणुओं की कला में उपस्थित ऐसे पदार्थों को प्रतिजन तथा प्लाज्मा में उपस्थित पदार्थों को प्रतिरक्षी कहते हैं। प्रतिजन दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होते हैं। प्रतिजन आपके जो है ए एंड बी, और जो प्रतिरक्षी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं आपके एंटी ए और एंटी बी, परंतु ये जो है विशुद्ध प्रोटीन के रूप में होते हैं। एंटी जो है आपका जो ए होता है, ए जो है एंटीजन जो है वो ए प्रतिरक्षी की उपस्थित में और बी एंटीजन जो है वो बी प्रतिरक्षी की उपस्थित में अत्यधिक चिपकने लगते हैं। लाल रुधिराणुओं का अभिश्लेषण इसीलिए जो है वो हो जाता है। अब बात करते हैं मानव में रुधिर वर्ग। तो आप सभी जानते हैं कि लाल रुधिराणुओं के कोशिकाकला में उपस्थित प्रतिजनों के आधार पर लैंडस्टीनर मानवों को चार श्रेणियों में बांटा, जिन्हें कि रुधिर वर्ग जो है वो कहते हैं। तो आपको चार श्रेणियां पता हैं, ए बी, आपको वर्ग पता है ए बी, ए बी और ओ, ये आपके जो है वो चार श्रेणियों में जो है वो बांटा था। अब बात करते हैं रुधिर वर्गों का महत्व एवं रुधिर आधार। रुधिर आधान। तो इसमें हम बात करें तो प्रत्येक जो है वो मनुष्य में लाल रुधिराणुओं के प्रतिजन और प्लाज्मा प्रतिरक्षी का तालमेल ऐसा होता है कि साधारणतया रुधिराणुओं के अभिश्लेषण की कोई संभावना नहीं होती है। अतः रुधिर आधान समानता जो होता है वो जो है वो सवर्गी यानी सेम ग्रुप व्यक्तियों के बीच ही उत्तम होता है। सेम ग्रुप के व्यक्तियों के बीच ही जो है वो उत्तम होता है। रुधिर आधान के व्यक्तियों में रुधिर आधान सबसे उत्तम सबसे जो है वो उत्तम जो है वो होता है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एक तरफ आप डोनर लिख लीजिए और एक तरफ आप लीजिए रिसिपिएंट। एक तरफ आपने डोनर लिख लिया, एक तरफ आपने जो है वो रिसिपिएंट जो है वो लिख लिया। तो डोनर आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ओ हो जाएगा। ओ आपका क्या होता है? यूनिवर्सल जो है डोनर होता है। ये आपका ए बी, ये ए बी और ये हो जाएगा ओ। ओ आपका क्या होता है? यूनिवर्सल आपका होता है रिसिपिएंट, पी आई ई एन टी। रिसिपिएंट तो इसमें इसने इसको और इसने जो है क्या किया, ए बी, उसके बाद में बी ने इसको, फिर ए बी ने, फिर जो है ए बी ने, और जो है ये हो गया आपका। ओ क्या होता है? ओ जो है ए में जो है आपका गया और बी में गया, ए बी में गया और ओ में गया। तो ये आपका हमने एक जो है वो ग्राफ के जो है वो जरिए जो है हमने आपको जो है वो जो है इसको बताया। तो इसमें ग्राफ के जरिए हमने आपको जो है बताया।
तो बताए कि सेम ग्रुप के जो होते हैं उनके बीच जो है वो अधिक जो है वो उत्तम होता है। फिर ये आपका हमने डोनर स्पेंट ए बी और ओ, ए बी और ओ ये आपका यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इससे सब ले सकते हैं। ये आपका यूनिवर्सल जो रिसिपियंट होता है इससे भी सब आपको ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो आपका जो ओ वर्ग के जो व्यक्ति में रुधिर में कोई प्रतिजन नहीं होता है इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। ओ का क्या होता है कि सभी व्यक्ति के जो है सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर इसके प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षों की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर इस वर्ग के व्यक्तियों को नहीं चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार ओ वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल जो है वो डोनर होते हैं। अब बता दें ए बी वर्ग आपका जो है तो ए बी वर्ग के व्यक्तियों का रुधिर दोनों प्रतिजनों की उपस्थिति के कारण अन्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए निरर्थक होता है, परंतु दोनों प्रतिरक्षणों की अनुपस्थित के कारण ये व्यक्ति सभी वर्गों के व्यक्तियों का जो है रक्त ले सकते हैं। ये क्या है सभी वर्ग के व्यक्तियों का रक्त जो है वो ले सकते हैं, इस जो है वो आपका जो है वो ले सकते हैं। इसलिए इसको जो है हम लोग इसलिए हम इसको जो है वो यूनिवर्सल जो है वो रिसिपियंट कहते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं रुधिर दान एवं रुधिर जो है वो बैंक की। रुधिर दान एवं रुधिर जो है वो बैंक, रुधिर दान एवं रुधिर बैंक क्या है आपका कि रुधिर दान और रुधिर बैंक में क्या कि बड़े जो चिकित्सालयों में रुधिर बैंक जो है वो खोले गए हैं और यहाँ दाताओं का जो रुधिर है वो लिया जाता है और इसके वर्ग का निर्धारण करके इसे उपयुक्त आधुनिक जो है वो उपकरणों एवं विधियों द्वारा उसे सुरक्षित रखा जाता है और आवश्यकतानुसार उसे रोगियों को चढ़ाते हैं। बैंकों में रुधिर को जो कहते हो दो से केवल 30 दिन तक जो है वो रखा जा सकता है। इसमें क्या है कि रुधिर को जो है ज्यों का जो है वो ज्यों का त्यों जो है वो केवल 30 दिन तक जो है वो रखा जा 30 दिन तक जो है वो रखा जा सकता है। केवल प्लाज्मा को भी बैंकों में रुधिर जो है वो आधान के लिए जो है वो रखा जाता है। इसे अधिक दिनों तक रख सकते हैं। इसे इसमें वर्ग की भी कोई झंझट नहीं होती है क्योंकि रोगी के रुधिर में कोई जो है वो प्रतिजन नहीं पहुंच जो है पहुंचता है। प्लाज्मा को सुखाकर पाउडर के रूप में जो है वो रख सकते हैं। आधान के समय जो है वो इसमें पानी मिलाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। महायुद्ध में जो घायल सैनिकों के लिए ये विधि जो है वो वरदान सिद्ध हुई थी। इसी महायुद्ध में साधारण जो है वो शर्करा से बनाए गए इलेक्ट्रॉन नामक डेक्सट्रॉन सॉरी मतलब शर्करा से बनाए गए डेक्सट्रॉन डेक्सट्रॉन आपको जो शर्करा से बनाया गया डेक्सट्रॉन नामक पदार्थ, ये एक पदार्थ था नामक जो है वो पदार्थ डेक्सट्रॉन नामक जो है वो एक पदार्थ से कृत्रिम प्लाज्मा बनाकर, इससे क्या था कृत्रिम जो है वो प्लाज्मा बनाकर जो है वो कृत्रिम जो है वो प्लाज्मा बनाकर बड़े पैमाने पर इसका उपयोग जो है वो किया गया। इसी महायुद्ध में साधारण जो है वो शर्करा से बनाए गए डेक्सट्रॉन जो आपका ये डेक्सट्रॉन जो नामक जो पदार्थ था पदार्थ से कृत्रिम जो है वो प्लाज्मा बनाकर बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया गया और बाद में आधुनिक वैज्ञानिकों ने रुधिर के स्थान पर पॉलीविनाइल जो है वो रुधिर के स्थान पर क्या किया था जो है वो पॉली जो है वो विनाइल पाइरोलिडॉन
पॉलीविनाइल जो है वो पैरोलिडॉन का जो है वो सफल उपयोग उपयोग किया, और हाल ही में जो है वो रूसी वैज्ञानिकों ने डेक्सट्रॉन से ही तैयार किए गए पाली जो है वो ग्लेसोल का पाली ग्लेसोल का पाली जो है वो क्या कहते हैं ग्लेसोल का तथा चीनी वैज्ञानिकों ने तरल जो है वो फरफ्यूलो कार्बन और चीनी वैज्ञानिकों ने ये तो आपके थे रूसी वैज्ञानिक ये थे आपके रूसी वैज्ञानिक और ये थे चीनी वैज्ञानिकों ने जो है फ्लू जो है को कार्बन फर फ्लूको कार्बन से तैयार किए गए एक अन्य पदार्थ का रक्त के स्थान पर उपयोग किया। फ्लूको कार्बन आपका है ये, इसका रक्त के स्थान पर जो है इसका उपयोग किया था, और चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उनमें द्वारा तैयार किए गए पदार्थ में O2 एवं CO2 के संवहन की क्षमता होती है, संवहन की जो है क्षमता होती है, संवहन की जो है वो क्षमता होती है। तो ये था जो है आपका रुधिर के जो है वो प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी, और रुधिर कितने प्रकार के होते हैं, और यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट आपका AB, यूनिवर्सल डोनर आपका O, और जो है वो रुधिर दान एवं रुधिर जो है वो बैंक। तो इस टॉपिक हमने इस सब चीज़ों की बात की, और ये जो टॉपिक था आपका यहीं से समाप्त होता है।